अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह खैरियत से होंगे। और भाई आज का इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ क्योंकि हसन भाई गए नीचे किसी काम से, वो आ रहे हैं ऊपर और आज हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि हसन भाई को पता है, वो मुझे भी नहीं पता। वो आते हैं तो हम वो काम करेंगे और जब तक ये हमारा खाना खा रहा है और मेरे ख्याल से आ गए हसन भाई। हाँ, क्या ले? ठीक, आप बताओ कैसे हो? बना रहे हो? आज मैंने चलो अच्छी बात है यार, तुमने स्टार्ट कर दिया। तो कैसे है भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पब्लिक जो जो हमारे व्यूवर्स हैं खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे। फैसे यार, आज के व्लॉग जो है उसमें जो है हम पता तुम्हें क्या करने हैं? आज पूछ रहा हूँ क्या करने नहीं बता तुम्हें। चलो भाई मैं बताता हूँ, आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार तो है, मतलब हर ही व्लॉग अच्छा होता है यार। तो व्लॉग में ये सीन है, तुम लोगों को याद होगा। ओ, क्या हुआ? ये देखो अभी नजर बढ़ी मेरी है। अबे यार, ये भी तोड़ दिया। क्या करा है? हैं? अबे खाली पड़ा वंडा, खाली पड़ा। ये देखो ना। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार, सेटलमेंट तुम लोगों ने तो यार उम्मीद ही तोड़ दी है गंडे की। ये मुझे लग रहा है इसके बच्चे की वजह से निकाल के, इन्होंने बच्चे अच्छे ने शायद फेंका और ये टूट गया है। देखे निशान पड़ा हुआ अंडे पे, दिख रहा तुम्हें? हाँ हाँ दिख रहा है, क्लियर वाजी हो रहा है। यहाँ से पूरी जर्दी निकल गई और इन्होंने अंडा वाला भी छोड़ दिया यार, मुझे लग रहा है। अबे यार पूरी मेहनत जाया गई यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बच्चे को ना हटाना पड़ेगा, बच्चा बड़ा हो गया और खुद खा रहा है, ये दाना भी चुग रहा है और पानी भी पी रहा है दोस्तों। तो इसको और उस बच्चे को ना दोनों को एक साथ कर देते हैं अपन, ताकि इनका पेयर बन जाए। बाद में देख लेंगे नर मादा क्या है क्या सीन नहीं है, लेकिन इनको अलग करना पड़ेगा। वो भी अंडे नहीं दे रहे और इसने तो ये अंडा तोड़ दिया, वाला अंडा देखे छोड़ दिया, वो ऊपर बैठी हुई है। भाई साहब नीचे, ये देखो ये काटने से ही नहीं छोड़ सकते। खैर से भाई ये एक अंडा यार ज़ाया हो गया। खैर से यार इसका जो होना था वो तो हो गया। अब हम आते हैं आज के काम पे, जो हमारा मेन काम था दोस्तों वो ये है कि मेरे से बार बार ये पूछ रहा फुरकान क्या काम है, काम तो बता दो। काम ये था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमारे इसका एक बच्चा निकला था, याद है? इसका एक बच्चा निकला था जो बहुत छोटा सा था, इतना नन्ना सा, क्योंकि इतना भी नहीं बल्कि इतना सा था। हाँ। बिल्कुल। तो वो काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, तकरीबन हफ्ता या डेढ़ हफ्ता इतने दिन हो गए होंगे, 8-10 दिन हो गए। तो तुम लोगों को भी नहीं दिखाया। तो यार माशाल्लाह वो बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल इतना बड़ा हो गया। तो मैं तुम लोगों को ला के दिखाता हूँ और उसको जो है ना यार आज हम उसके साथ हम ये करने वाले हैं कि उसका हमने जो है यार शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि नीचे वो ना अब हमने जिस बाउल में रखा था उसमें पूरा भी नहीं आ रहा और बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो उसको थोड़ा खोलें, वो घूमे फिरे, क्योंकि यार हमने रखा हुआ कमरे में और वो घूम फिर नहीं पा रहा, उस वजह से तो बहुत ख़राबी पैदा हो रही है, समझ रहे हो? तो वो कमरे में बहुत मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा और ज़्यादातर बीमार भी पड़ जाते हैं, घुटी घुटी जगह पे रह गए। तो यार हम इस पिंजरे को साफ़ सुथरा करते हैं अपने और इसके अंदर जो है आज उसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो भाई मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, इसको हम साफ़ करते हैं दोस्तों, उसको लेकर आके तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ आज, और फुरकान को भी, फुरकान ने भी काफ़ी नहीं देखा, तो इसको भी दिखाता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि उसकी माशाल्लाह ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और भाईजान यहाँ पर तो साफ सफाई चल रही है। अरे यार मैंने बोला इसको धो दूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही थी यकीन जानो। ये देखो कैसी चमकाई है तुम्हारी भाई, जबरदस्त हो गया ना साफ। ये ऐसी मिट्टी में हो रही थी दोस्तों, ये जानवर को रखते हैं तो यार गंदगी में बोले तो तकरीबन परिंदा है, साफ सुथराई में तो रहे। ऐसे यार ये तो धुल गया, अब मैं जल्दी से जाके ना उसको लेकर आऊँ, तुम लोग को दिखाऊँ। उसको देखोगे ना तुम भी हैरान हो जाओगे, माशाल्लाह इतनी ग्रोथ कर गई अच्छी, वरना वो इतना सा रह गया था। और मतलब ऐसे ज्यादातर ना वो कबूतर के बच्चे अक्सर यार मर जाते हैं, डेड मतलब इनके नहीं रह पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यार पंजाब भी हम लोगों ने साफ कर दिया, बस लाओ दिखा दो भाई। ये लो भाई, अबे भाई ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा इतनी आराम से यार, इतनी जल्दी। अभी तो लाए थोड़ा सा दिखाओ ना, मैं तो डालूं, दिखाओ ना कैसा है अच्छा यार नजर का आ रहा है। तो यार मैंने ना इसको इस बाउल में इसलिए रखा हुआ था, बाउल लिया बाउल नहीं है ये, पता तुम्हें क्या होगा, ये परिंदों का खाने वाला ही है पानी, खाने जो पानी वगैरह खाने के लिए होता है। तो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इतना सा तो इनका साइज था बेचारों का, इतना छोटा सा क्या करोगे, देख के दिखा दूँ। चलो यार दिखा देता हूँ, तो इधर ले आओ। तो भाई फाइनली उसका फेस हम रिवील करते हैं छोटू उस्ताद का, जो एक वक्त में हमारे पास इतने से थे, अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़े वो, लेकिन माशाल्लाह सेट है। ये लो भाई ले आओ, ये चेक करें भाई, तो माशाल्लाह से काफ़ी सेट हो गया है। ये देखें बड़ा भी हो गया है, बड़ा हो गया, परवर आ गए हैं,
भाई थोड़ा सा ना है कमजोर शुरू से था उस वक्त भी, क्योंकि यार ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती है ना इनको, खाना पीना नहीं मिलता तो ग्रोथ कहाँ से होगी, क्योंकि माँ बाप खिलाना पिलाना छोड़ देते हैं। और तुमने देखा था कितना था साइज का, इसके साथ वाले के पूरे पर आ गए पर इसके अभी तक नहीं आए, क्यों? क्योंकि हमारे जो खाना हम दे रहे हैं उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है, वो माँ बाप की खिलाई पिलाई होती है उसमें सब कुछ इनको मिल रहा है, ये हम इसको दे रहे हैं। और फिलहाल जो इसको मैं यार चने की दाल होती है जो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए बहुत अच्छी होती है, मैं वो खिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल ना, ये 24 घंटे खाने वाले हुए हैं, क्योंकि इसको मैं दिन में ना तकरीबन 3 टाइम खिला रहा हूँ, सुबह में, फिर दोपहर में खिलाता हूँ, फिर रात में खिलाता हूँ, रात में खिलाने के बाद मैं बंद कर देता हूँ ताकि इसकी आदत ज़्यादा ना हो, क्योंकि रात में नहीं खिलाया जाता परिंदों को। कैसे भाई माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा हो गया है, थोड़ा सा यार ये गंदा इसने अपने आप को कर लिया था, बीट वीट लगा के हो गया ना अच्छा खासा। और भाई इसका आप लोग नाम सजेस्ट करें छोटू का, एक बंदे ने मुझे चीकू नाम सजेस्ट करा था, पर मुझे मैंने आप लोगों से फिर भी चीज़ पूछनी थी कि और नाम सजेस्ट करें, अगर नहीं करा तो मैं फिर चीकू ही रख दूंगा, पर आप लोग और सजेस्ट करें इसका प्यारा सा क्यूट सा नेम जो हम इसका रख दें अपने छोटू उस्ताद का। तो बाकी जल्दी से बड़ा हो जाए यार, मुझे देखना है, और अगर ये हो सका ना तो तुम लोग बताना कि क्या ये टेम होगा, मैं इसको फिर टेम करने की कोशिश करूँ यार, क्योंकि टेम हो सकता है हमारा, क्योंकि अभी छोटा है ना हमसे खा रहा है। ये देखो मांगता भी यही है, इसको मैं रख लूँगा फिर यहाँ बैठाऊँगा टेम ऐसा प्यारा लगेगा। कैसे भाई, चलो इसको इसके घर में शिफ्ट करते हैं। तो छोटे उस्ताद आपका घर जो है ना वो ये है, और ये अभी भी हल्की फुल्की की है। चलो भाई तो रख दें भाई इसको, रखो आ जाओ उस तरफ से आओ, ये देखो। चलो भाई न्यू घर में आपका खुशामदीद, वेलकम है भाई। ठीक है भाई कैसा लगा इसको इस घर में शिफ्ट करने की, पता मेन वजह क्या फुरकान, इसको मेन वजह ये दोस्तों हमारी शिफ्ट करने की, इसके पाँव बंद हो रहे थे, देख रहे हो कितना सा इसके अंदर, इसके पाँव ना बंद हो रहे थे, घुट रहा था यूं करके, वह बैठा रहता था, चल नहीं पा रहा, मैं इसको खोलता था, पर आपको पता है दिन में मैं जितना भी खोल लूँ वो बात नहीं आती है, जो फुल टाइम ये खुला रहे इसमें घूमता रहेगा। और एक चीज़, इसको मैं सेटअप पे नहीं रखूँगा भाई, इसको मैं अभी नीचे रखूँगा तोतो वाली जगह पे, अपना जो जीना स्टूडियो वाला उससे आगे मैं इसको कहीं भी नहीं रखूँगा, ये वहीं रहेगा ताकि हम इसको दाल वगैरह खिला सकें वहाँ पे ही छत पे। मैं बार बार तो नहीं आऊँगा, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास चूहा भी आता है गब्बर सिंह जो अभी गायब है, वो गब्बर आ गया ना, वो उसके लिए तो ये फुल स्वीट डिश है, डिनर यकीन मानो छोड़ेगा नहीं इसको, इस वजह से हम इसको रखेंगे नीचे। तो यार ये लेना था मैंने, और इसका सीन ये कि यार इसमें ना मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पानी डाल के रखूँगा, वजह ये खाना तो हम खुद ही खिला देंगे वही जो दाल इसको खिलाते हैं, क्योंकि अभी ये खुद नहीं खा पा रहा तो इसका हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें खुद खिलाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ पानी रख दूंगा ताकि ये खुद पानी आनी पिए, फिर मुंह मारना शुरू करे तो ताकि इसकी आदत बने बस। ये लो भाई मैं ले आया तुम्हारे लिए पानी छोटू। तो यार हमारा जो छोटू है ना वो बहुत खुश रहेगा वैसे इसके अंदर, है ना, इसके लिए तो पूरे का पूरा बंगला है, क्या कहते हो, इसके लिए दोस्तों पूरे का पूरा बंगला ही कहलाएगा ये, क्योंकि छोटा सा घर तो नहीं है, इतना बड़ा माशाल्लाह घर है। और यार ये वीरान भी पड़ा था, और ये इसके अंदर सही रहेगा, इसके अंदर बड़ा हो जाए फिर ये नर निकलता है, मादी अगर नर निकला तो इसके साथ हम मादी लेकर आ जाएंगे फीमेल, और अगर फीमेल हुई तो मेल लेकर आ जाएंगे, लेकिन बड़ा प्यारा लगेगा यार ये इसमें। तो ले भाई कशान आ गए हमारे पास और वानिया भी। तो भाई कशान मैंने ना कप्पू को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक किया मैंने नहीं भाई उसका कोई रिएक्शन नहीं है ऐसा, उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी इसको बोलना नहीं आता, छोटा है ना उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यार दोस्तों हमने जो है पूरे सेटअप को खिला पिला के बंद कर दिया है, आखिर में इसको मैं ले जाने आया हूँ। हाँ भाई चले छोटू, इसको यार मैंने बताया ना आप लोगों को तोतो वाली जगह के नीचे रखेंगे ताकि इस पे चूहा जो है वो भी हमला ना कर सके, गब्बर जो आता है, ठीक है। और इसका खाने का टाइम हो गया है तो इसको मैं खाना खिलाऊँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। चलो भाई यार इसका उठाने का है भी नहीं ना ये चीज़।